हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस, और या फिर आप इसको देख रहे होंगे स्ट्रगल टू सक्सेस पे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक क्वालिफाइड यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टैब्लिश करी क्वालिफाई होने के बाद। कैसा रहा ये डिसीज़न, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने ये चीज़ जो है इसको वो कर रहे हैं, क्या चल रहा है आज की डेट में, और आप लोग अगर CA बनने का अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल कैसे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे हमारे दोस्त अनिरुद्ध जैन के साथ। अनिरुद्ध कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। अनिरुद्ध थैंक यू यार, आप लोग बिल्कुल एकदम अपने जूनियर्स की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, और एक लिंक्डइन के मैसेज पे, फेसबुक के मैसेज पे आप लोग आ जाते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप लोग इतना इतना ज़्यादा देना चाहते हैं आप सोसाइटी को। सर इस मामले में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस हिसाब से आप CA स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहते हैं, आप हर बार बच्चों के लिए मोटिवेशन लेक्चर डालते हैं, और जहां तक कि अभी तक आपने अपने YouTube पे फ्री में लेक्चर्स भी दिए हैं, पर उससे हम भी अभी तक पढ़ ही रहे थे, अभी प्रैक्टिस शुरू हुई है तो हमने आपको अभी तक एज अ मेंटर देखा है। क्या बात है, ग्रेट। तो अनिरुद्ध सबसे पहले बताइए कि आपने कब क्वालिफाई किया CA? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं अपनी फर्म की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है हमारे इंस्टीट्यूट के उसके उसमें। तो एक बार और क्लैरिफाई कर देते हैं, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस टू द यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे ना ही अनिरुद्ध का ना ही मेरा, हम दोनों का कोई मकसद नहीं है किसी भी CA फर्म को या किसी की प्रैक्टिस को प्रमोट करने का, और हम कोशिश करेंगे हम कोई ऐसी बात करें भी ना, और अगर हो जाए तो उसको प्लीज़ ऐसे सेंस में ना लीजिए कि हम कुछ प्रमोट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक होल सोल ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम यंगस्टर्स को मोटिवेट करें कि भाई प्रैक्टिस भी एक फील्ड है और कैसे आप प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करें, राइट अनिरुद्ध? यस सर। हाँ जी सर देखिए, अगर अगर मैं अपनी बात अगर मैं इस सेशन को शुरुआत करना चाहता हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रैक्टिस में कोई आता है तो उसके तीन तीन स्टेप्स हैं। ओके मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस में कोई क्यों जब कोई प्रैक्टिस में आता है तो तीन तरीके से आता है। नंबर वन तरीका है कि आप अभी तक सिर्फ पढ़ रहे थे, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी और आप प्रैक्टिस में आ गए। सेकंड तरीका है कि आपने जॉब करी पहले 2 या 3 साल या 5 साल, उसके बाद आप प्रैक्टिस में आ गए। तीसरी चीज जो मेरी है वो है कि पहले मैं था स्टूडेंट इन प्रैक्टिस, उसके बाद में आया चार्टर्ड इन प्रैक्टिस। ओके, तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी थी। हाँ जी। ओके तो मैं पहले दो के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो तीसरे वाला है वो तो पहले से ही फील्ड में होता है। राइट, मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो वीजी सर, विनोद गुप्ता सर हमारे टाइम पे ऐसा कहा करते थे, वीजी सर से मैंने क्लासेस ली डायरेक्ट टैक्स की, तो कहते थे प्रैक्टिस में तभी आना जब या तो आपके फादर की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस हो या आपके फादर इन लॉ की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस हो, ठीक है ना? तो जैसे आप डिवाइड कर रहे हो तो वैसे डिवाइड कर देते थे कि भाई चलो या तो फादर हो या फादर इन लॉ। ओके ग्रेट, तो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप बताओ आपने क्वालिफाई कब किया? सर मैंने क्वालिफाई करा था मई 2019 के अंदर। मई 2019, अब समझ लो मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने मई 2019 में क्वालिफाई किया है, और या मैंने नवंबर 2019 में क्वालिफाई किया है, और अब मैं आ रहा हूँ अनिरुद्ध के पास, मैं बोलता हूँ अनिरुद्ध भाई बात बताओ कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मुझे प्रैक्टिस करनी है, अब बताओ मैं क्या क्या कहाँ से शुरुआत करूँ? सर अगर मैं बात करता हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, कि आपने आज तक मार्केट में आपने कभी आप उतरे ही नहीं, राइट, तो सर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ओके फिलहाल के लिए। ओके क्योंकि आप लोगों से जब इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ढंग से, राइट, तो आपके पास कोई क्यों आएगा काम के लिए? राइट, लेकिन सर प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि आपको दूसरे का ट्रस्ट गेन करना है कि मेरा पैसा किसी और के पास सुरक्षित है। आज की डेट में अगर आपके पास में मनी का किसी और के मनी का ट्रस्ट है, वो सबसे बड़ा ट्रस्ट है। सही बात है कि आप अगर आप ये कह रहे हो कि भाई तू इधर इधर पे इन्वेस्टमेंट कर दे या तू ऐसे कर, और वो आपकी बात मान ले। दूसरी बात सर, अगर अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो तो मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आज की डेट में मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। ओके, दिस इज द सीड कैपिटल जो मैं जरूरत जिसकी मैं जरूरत पड़ेगी। हाँ मतलब, और ये मैं तब कह रहा हूँ कि ये नहीं कि बहुत हाई फाई ऑफिस बन रहा है आपका। क्योंकि देखिए सर, जैसे कि अभी मैंने भी शुरुआत ही करी है, तो मेरे लिए ऑफिस का रेंट निकालना
क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ तक कि लॉकडाउन अगर ये चला भी तब भी मैं निकाल दूंगा, मुझे पता है। ओके, क्योंकि आपके पुराने क्लाइंट्स लेकिन हैं। हाँ जी, मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। राइट तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो बहुत ज्यादा रिच है, मैं अपने जैसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके लिए शुरुआत में तो प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि पैसा बहुत खर्च होगा, ओके आप घर से पैसा नहीं लेकर आ सकते। ओके ठीक है, ठीक बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जी। और सर दूसरी बात यह है कि आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो क्लाइंट कहाँ से लेकर आओगे? अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हो राइट तो उसके लिए जैसे हमारी एमसीएस में हमारे एक सर आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि आप बैंक मैनेजर के पास जाओ, सबसे पहला क्लाइंट आपको वहीं से मिलेगा। ओके ऐसा कैसे कैसे? सर बैंक से पास में तो होता ही है ना कि राइट जो आपका करंट बैंक होगा वो बैंक मैनेजर तो जानता ही होगा आपको। राइट सही बात है, अब आप उसको जाके कहेंगे सर मैं नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं, तो वो भी थोड़ी हेल्प कर ही देगा आपकी, क्योंकि राइट राइट ओके हमारा हमारा तो वैसे भी हम पब्लिसिटी नहीं कर सकते, माउथ माउथ पब्लिसिटी पे काम चलता है सारा का सारा। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये लगेगा, यस, जो बच्चा देख रहा है, जो जो फ्रेशर देख रहा है, उसको ये ना लगे कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास में एक ऐसी पावर आती है प्रैक्टिस में होने के बाद में जो एक सीए इन सर्विस के पास में नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और आप अगर आपने अपना रेट गिरा दिया तो सर हमें दिक्कत होती है और आपको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। राइट राइट और ये जो अगर डिस्कशन है ना अनिरुद्ध, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये अनिरुद्ध का एक्सपीरियंस है। तो आप हाँ जी एक्सपीरियंस हाँ कुछ और जी हो सकता है, मतलब अनिरुद्ध ने जो सीखा, जो देखा, या जो उनके माइंड में वो चीज़ यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राइट अनिरुद्ध? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ प्लीज़ जी बताइए। क्योंकि मैंने मैंने एक्चुअली में ये देखा हुआ है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को करने के आए को 20,000 रुपीज, राइट अगर वो उसमें नहीं मानता तो मैं कहता हूँ चले जाओ आप, ठीक है मैं नहीं कर सकता। क्योंकि राइट क्योंकि जब आप एक फ्रेशर होते हो ना, आपके पास में सबसे पहला क्लाइंट पता कौन आएगा? वो बंदा आएगा, वो ये कहेगा सर शुरुआत में तो सस्ते में काम करना पड़ता है, राइट सर मैं तो एंटरटेन करता ही नहीं हूं। राइट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उन्हें एंटरटेन करोगे तो फ्यूचर में आप ही को दिक्कत आएगी। राइट और फ्यूचर में फिर ऐसे ही क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। हाँ जी, अपना बेंचमार्क पहले से सेट करके रखिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो इंस्टीट्यूट हमें ऑडिट में पढ़ाता है वो गलत है, लेकिन सर प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत फर्क है। राइट अगर आप अपने आप को एक रिजिड होके काम करेंगे तो सर क्लाइंट थक जाएगा। ओके क्लाइंट को चाहिए होता है कि आपको पेन लेना पड़ेगा, ड्यू डेट उसकी होती है, टेंशन हमें हो रही होती है। राइट क्लाइंट तो आ जाएगा जी, अगर 20th आपकी ड्यू डेट है वो तो 20th को अगर आपको शाम को 5 बजे भी डेटा दे गया, वो तो कहेगा भैया मैं तो दे गया था। राइट मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि सर 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए लगभग प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए, एक ठीक ठाक ऑफिस बनाने के लिए। ठीक है, ये 1 से 1.5 लाख रुपए कहाँ लगाएंगे? सर फर्नीचर्स पे, सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर्स पे। ओके, अब मुझे बताओ कि पहला क्लाइंट कहाँ से लाऊँ मैं? मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मैं तो अभी क्वालिफाइड हूँ और भाई मैं आ गया हूँ प्रैक्टिस में, मुझे शायद जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी कारण हो सकता है, मैं प्रैक्टिस में आ गया हूँ, मैंने सोचा कि भाई मैं तो डे वन से प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अब बताओ पहला क्लाइंट कहाँ से लेके आऊँ मैं? सर आपको, या अगर आपके पास में कोई कनेक्शन नहीं है तो सर आपको या तो अपने बैंक के पास जाना पड़ेगा या राइट फिर अपने जो घर के कनेक्शन है उनको यूज करना पड़ेगा, राइट या फिर आपके जो ऑफिस के कनेक्शन होंगे आप उसके थ्रू क्लाइंट ले सकते हैं। अगर आपका बहुत इतना अच्छा हुआ कि राइट आपको वो अपना अपना कोई रेफरेंस देके वो दे दे। तो आपके बॉस थे इतने अच्छे कि नहीं थे? राइट सर मैं तो पहले से ही प्लानिंग करके चल रहा था। राइट राइट ओके ग्रेट। तो आप फर्स्ट क्लाइंट बोल रहे हैं कि आपको अपने इनर सर्कल में से मिलेगा, बोले तो आपके घर में हो सकता है, आपके ऑफिस के कनेक्शन से हो सकता है, आपके और कोई जो जो आप बैंक वर्ड यूज़ करें, बोलूँगा कि आपके और कोई बिजनेस कनेक्शन से जो है आपको कहीं ना हाँ कहीं जी फर्स्ट जी कनेक्शन जो है वो मिलेगा। ओके ठीक है जी, अब मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आ जाता है। तो फर्स्ट क्लाइंट जब आता है तो एक नए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या क्या गलतियाँ होती हैं,
मतलब वो जब प्रैक्टिस शुरू करता है, पहला क्लाइंट आ गया, तो क्या वो मिस्टेक कर जाता है जिससे या तो फर्स्ट क्लाइंट चला जाए या हम अच्छे सर्विस ना दे पाए? किस तरह की मिस्टेक्स वो कर जाता है? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप जब सीट पे बैठते हैं ना, तो आप कोई भी ऐसा उसको गाइडेंस मत दीजिए जिसके जिसके लिए आप कुछ श्योर ना हो। आप पूछ लो, अपने किसी मेंटोर से पूछ लो, किसी सीनियर से पूछ लो, जरूरी नहीं हो चार्टर्ड ही हो सकता हो कोई बड़े वकील हो, आप पूछ लो ना। वेरी गुड. ये जो आपने बात बोली है ना, ये गलती ना एक बार मुझसे हो गई थी. मैं बताता हूँ कैसे हुई थी. बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, बट मैंने उस दिन सीखा. तो हमारे जो किराएदार थे वो कुछ सेक्शन 80C के बारे में पूछ रहे थे, और मैंने उन्हें कुछ बात बोल दी, बड़े बड़े जोश में बोल दी. मैं जब CA कर रहा था, CA फाइनल में था मैं, कि भाई, और लगता ही भाई, एक तो CA फाइनल वालों को ना लोग समझते हैं ये हो गया, इसने ये बता हाँ सकता है कुछ भी है. सो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने बता दी, और मैंने गलत बताया. मुझे बाद में बहुत दुख हुआ, और उस दिन मैंने लेसन सीख लिया कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो तो बोल दो कि अभी नहीं पता, मैं सोच के, पढ़ के, हाँ जी देख कर, या जैसा आपने बोला, कंसल्ट करके बता दूंगा. सो फर्स्ट लर्निंग यही है कि जब आप अपनी CA की ऑफिस में भाई बैठे हो, तो आपको हवा में नहीं रहना है. आपको बिल्कुल एक जो है एक ऐसी अप्रोच लेके चलनी, सिस्टमेटिक अप्रोच, कि कभी भी हम किसी क्लाइंट को कुछ गलत चीज़ ना बताएं. ओके. और सर, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर आप CA ऑफिस में बैठे हैं तो सर आपको हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप इस मामले में रह रहे हैं कि भैया मेरे पास डिग्री आ गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो सर नहीं है प्रैक्टिस आपके लिए। राइट. सर इसके मैं आपको बता देता हूँ, सर अगर आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो सर इस फील्ड के अंदर पैसे का डेफरमेंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं काम आज करूंगा लेकिन मुझे हो सकता है पैसा 1 साल बाद जाके मिल जाए। तो सर पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस फील्ड। राइट, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जी ओके, ठीक है. तो अब मैं दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, मुझे जो मुझे समझ आता है, मतलब ऑल दो मैंने प्रैक्टिस नहीं कभी अपनी इस्टेब्लिश करी, लेकिन जो मुझे समझ आता है, देखो बिजनेस तो हम भी लोग भी कर ही रहे हैं, तो हमें पता है कि कैसे जो है कस्टमर से कस्टमर जुड़ते हैं. तो पहली चीज़ ये कि भाई आपको फर्स्ट कस्टमर लेके आना है अपने इंटरनल कनेक्शन ढूंढ के, या ऑफिस के कनेक्शन से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. फिर दूसरा कस्टमर मुझे लगता है आपके क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से आपके साथ जुड़ना चाहेगा, हाँ जी हाँ जी दूसरा जो क्लाइंट होगा. सर देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आप अपने क्लाइंट के लिए पेन लेंगे तो सर क्लाइंट आपको क्लाइंट दिलवाएगा। क्लाइंट आपको क्लाइंट दिलवाएगा, ग्रेट. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब आप शुरू में प्रैक्टिस में जाते हो, तो अब इसमें तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना कि मुझे एक ही फील्ड में जाना है. अब वो क्लाइंट हो सकता है आपसे ऑडिट का भी काम कराए, हाँ जी जी इनकम टैक्स का भी काम कराए, जी GST जी का भी, तो इस पर क्या कहना है जी आपका? सर देखो, मैं ये कहना चाहूंगा सर, आप सारा काम तो कर नहीं सकते। सही बात है. सर आप भी टीचिंग करते हो, आप दो दो या तीन सब्जेक्ट ही पढ़ाते हो, सारे तो आप भी नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते जी. सर मेरा मानना ये है कि अगर आप CA बने हो ना तो सर आपको ये मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी कि सारा पैसा मैं ही कमाऊं, बिल्कुल ठीक बात है. आपको ये काम आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। सारा काम तो आप कर नहीं सकते ना सर। देखो करने को मैं CS का काम भी कर सकता हूँ, करने को मैं CAA का काम भी कर सकता हूँ, सही बात, लेकिन मैं क्यों करूँ, सही बात. मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मैं आउटसोर्स कर देता हूँ सारा का आप सारा काम। आउटसोर्स कर देते हैं, ग्रेट. तो अभी जो आपने फॉर्म बनाई, वो आप प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं या पार्टनरशिप में चला रहे हैं? सर फिलहाल तो पार्टनरशिप में नहीं है, प्रोप्राइटरशिप में है। हाँ. बाद में मैं, क्योंकि एक जो मेरे फ्रेंड है वो भी आने वाले हैं मेरे पास में, तो ओके पार्टनरशिप में हो जाएगी सर। ओके ओके. तो पार्टनरशिप, और सर मैं, हाँ प्लीज़ जी बताइए. जी आप बताइए सर इसमें पार्टनरशिप क्या। की ज़रूरत जो है वो इसलिए पड़ती है कि काम बढ़ रहा है या वैरायटी ऑफ वर्क आ रहा है, किस लिए आप अब पार्टनरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं? सर देखिए, मेरा मानना ये है कि आपके पास में जितने अपने बंदे हों उतना आपका काम अपने पास रहेगा, राइट. जितने बाहर के बंदे आप इम्प्लॉय करेंगे उतना बाहर का काम बाहर टूटने का चांसेस होते हैं। ओके. अच्छा, ये एंगल भी है माइंड में कि भाई क्लाइंट जाने के चांसेस होते हैं, कुछ ऐसा कहना हाँ चाहते जी हो? सर, ये होता है क्योंकि मैंने भी खुद ही करा है ये। ओके ओके, ऐसी चीज़ें ऐसे बोलनी नहीं चाहिए ऑनलाइन. एनीवेज, ग्रेट. तो आप इसलिए पार्टनरशिप कर रहे हैं कि अपने मैक्सिमम जो है अपने एकदम इंटरनल हाँ बंदे जी जो है वो हमारे साथ जुड़ पाए, राइट? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि क्योंकि सर जब कोई पार्टनर होता है ना, जब उसका स्टेक भी लगा होता है तो वो पूरे जी जान से काम जी करता जान है। से काम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी. अच्छा, एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि अब आप जी आर्टिकल्स भी रखने वाले हो, या रखे भी होंगे आपने हाँ शायद जी, आर्टिकल्स, तो उनके साथ अब अभी तो क्या, नहीं सर अभी। उनके साथ अब अच्छा हाँ बिहेव हाँ करोगे कि नहीं करोगे, अच्छी स्टाइपेंड दोगे या नहीं दोगे? सर देखिए, अगर मैं ये कहूं कि सर वी नीड टू लर्न गुड गुड थिंग फ्रॉम आवर सीनियर्स, राइट. सर
मुझे भी पता है कि जब पुराना बॉस ये कहता था ना, सुबह से लेकर शाम तक मैं खाली बैठा हूँ, और 5 बजे का जब टाइम आया, बेटा ये बैलेंस शीट कर दे, उस समय जो अंदर से आग निकलती थी, वो मैं नहीं चाहता मेरे मेरे लिए निकले। सर, सही बात। मेरा मेरा ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है। मैं तो, और मेरा मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो ना, तो ऑफिस को घर पे, ऑफिस को ऑफिस में ऑफिस में छोड़ छोड़, के जाइए। राइट बेफालतू में आप टेंशन लेके घर में जाएंगे, घर में लड़ाइयां होंगी, कोई फायदा नहीं। राइट राइट। तो आर्टिकल्स के साथ मैं तो सबसे, जितने भी मेरे भाई, जितने भी सुनते हैं लोग मुझे, मैं सबसे बोलता हूँ कि यार आर्टिकल्स, देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आर्टिकल्स हमेशा अच्छे होते हैं, आर्टिकल्स भी बहुत दिक्कतें करते हैं, बहुत तरह की उनके भी हाँ जी, हाँ जी, गलत बातें हैं, लेकिन एज अ सीनियर मुझे लगता है कि आपका, मेरा, या जो भी हम आर्टिकल्स को जो भी एम्प्लॉय करते हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि हम उनको ग्रूम करें और साथ साथ में उन्हें हाँ जी, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़, रिक्वायर्ड स्टाइपेंड भी दें। हाँ जी, तो अनिरुद्ध ये तो हो गई आर्टिकल्स की बात, पार्टनरशिप की बात हो गई, अब कैसे आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, हाउ यू विल मूव फर्दर, कैसे हम लोग आगे जाने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें हम करने वाले हैं, या कैसे हम इसमें एक्सेलेंस तक कैसे पहुँचे, हम बड़ी फर्म, एक जैसे बोलते हैं ना, एक अपने, फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जी। उस शहर में आपका नाम हो, उस शहर में आपकी फर्म का नाम हो, वो अब आप कैसे करने वाले, उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी सोची है? सर देखिए, इसके लिए तो ना थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ओके राइट आप ये मान के चलिए 5 से 7 साल तो लगेंगे लगेंगे। अगर आप, मैं ये तब कह रहा हूँ जब आपके पास में क्लाइंटेज थी, अगर राइट आपके पास क्लाइंटेज नहीं थी तो कम से कम मान के चलो 10 साल लगेंगे। राइट अच्छा नाम बनाने में। और हाँ जी, और मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मैं शुरुआत में कहना भूल गया था, कि अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 2 साल तक न्यूज़पेपर का खर्चा भी घर से लाना पड़ेगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो किस तरह से एक यंगस्टर को मोटिवेट किया जाए कि भाई तुम, मतलब आप क्या किसी को ये बोलोगे, आपसे एक सलाह लेता हूँ मैं, कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगेन मैंने नवंबर 2019 में क्वालिफाई किया, किसी तरह मेरी कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुई क्या, और मेरा कोई ऐसा आपके जैसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि मेरे पास पहले से क्लाइंट हो, क्या आप मुझे बोलोगे भाई आ जा कूद जा प्रैक्टिस कर ले, या नहीं बोलोगे अभी, पहले सर मैं कहूंगा, पहले ना पहले काम सीख लो, काम कर लो। थोड़ा सा तो काम सीख लो ना कम से कम। राइट सर सर देखिए, सर देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में आज की डेट में कोई क्लाइंट आता है और मेरे को कोई काम नहीं आता, मान लो वो मेरे को ऐसी चीज पूछ रहा है जो मुझे नहीं आती, लेकिन सर मेरे मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं उससे काम खींच लूंगा तब भी। नहीं, आपको ये लगता है कि भाई काम तो उसने, वो बच्चा कह रहा है मैंने आर्टिकलशिप में सीखा है, काम तो उसने आर्टिकलशिप में सारा ही किया है, सर आर्टिकलशिप में काम करना और वैसे काम करने में बहुत फर्क होता है। लीडरशिप और मैनेजरियल मैनेजरियल स्किल सीखने हाँ हैं। हाँ जी सर, राइट सर आर्टिकलशिप में तो आपको पता है बॉस संभाल लेगा, सही बात है, काम बॉस ने लाना है, वेन बॉस यू ने टेक, संभालना है। हाँ जी, आपकी गलती होगी तो बॉस को गाली पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी। आपको बॉस से पड़ेगी। हाँ वो तो सर, क्योंकि मेन तो बॉस ही होता है ना। राइट 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 मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, ग्रेट। हाँ जी, तो आप, आपका ये कहना है कि भाई आप सलाह नहीं देंगे उसको, आप बोलेंगे कि पहले जाके इस तरह के, इस तरह की, मैं बोलूँगा मैनेजरियल और जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो थोड़े डेवलप कर हाँ लो, जी, एंड देन उसके बाद जो है अपनी आप प्रैक्टिस शुरू करो, राइट। और सर मैं इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि लुक फॉर अ मीडियोकर फॉर्म, क्यों ओके छोटी फॉर्म हो, ओके क्यों, क्योंकि वहां पे सब कुछ करने को मिलेगा। ओके ओके इफ यू गो फॉर अ बिग फॉर्म, आप चाहे किसी भी फॉर्म में देख लो जो बड़ी होगी ना, आपको ये नहीं पता एंड वर्क करा किसने, क्योंकि राइट 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 वो लोग काम करते हैं पार्ट्स में, राइट मैं समझ गया तो सर भाई। उसमें बंदा ग्रूम हो ही नहीं सकता अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो, क्योंकि यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस राइट कि टू आपने टू डील विद द क्लाइंट। आपने पूरा स्क्रैच से लेके एंड तक सारा काम किया होना चाहिए, आपको आना चाहिए हाँ जी, सारा हाँ काम। अच्छा जी, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अनिरुद्ध अपनी गाड़ी में बैठे हैं सिर्फ, ये कहीं जा नहीं रहे हैं लॉकडाउन में, गाड़ी हाँ में जी, हाँ इसलिए, जी, हाँ गाड़ी में इसलिए बैठे हैं भाई, ताकि जो ऊपर इनके घर पर थोड़ा शोर हो रहा था, हम लोग रिकॉर्डिंग थोड़ा शांति से कर पाए। अनिरुद्ध जी ना, लोग बहुत ज़्यादा ना इस पर बोलेंगे गाड़ी में क्यों था और ये यार वो, तो हम पहले ही क्लैरिफाई कर देते हाँ हैं, है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध। कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं, कुछ आपने लिखा हुआ, आप मुझे बता रहे थे कुछ पॉइंट्स आपने जॉट डाउन किए, तो उसमें से कुछ पॉइंट हाँ आप जी ऐड सर, करना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए। सर मैं एक एक बात कहना चाहूंगा, जब आपकी प्रैक्टिस नई नई होती है ना, प्लीज डू नॉट डिपॉजिट क्लाइंट टैक्स बाय योर ओन मनी। अच्छा ये भी एक लेसन है, क्या बात है, ये राइट भी एक लेसन है सर, क्योंकि वो जब अटकता है ना सर, बहुत दुख देता है राइट सही बात है, कि फिर वो अटकी अटकी टैक्स में अटक गया। राइट मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना है। हाँ जी, ओके ओके
ये छोटी छोटी लर्निंग्स हैं, मतलब आपके साथ ये काम हुए, मैं को समझ, मैं समझ पा रहा हूँ। ग्रेट अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया। तो अब यार हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं यंगस्टर्स के लिए जो प्रैक्टिस में हैं, किस तरह से हम उनको ग्रूम कर सकते हैं या और क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, कोई सलाह है आपके पास, या इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? आप इंस्टीट्यूट के लिए कोई ओपिनियन देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो इंस्टीट्यूट को कि भाई जो यंगस्टर्स आ रहे हैं प्रैक्टिस में उनके लिए ये चीज़ कीजिए? हो सकता है ये वीडियो इंस्टीट्यूट से भी कोई लोग देखते हों, प्रेजिडेंट साहब भी देखते हों, क्या पता, या मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा प्रेजिडेंट साहब को ज़रूर कि भाई देखिए हमारे यंगस्टर, हमारे यंग मेम्बर्स जो हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट के यंग मेम्बर्स वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये मैं उनके पास तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनका? सर मैसेज तो ये है कि आप देखिए सर, इंस्टीट्यूट तो मेंबर्स के लिए काफी कुछ कर रहा है, आज की डेट में तो कर ही रहा है। आप अब मैं इस मामले में तो और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपने जितने भी सराउंडिंग के सीए हैं उनसे बना के रखो, और अगर आप कहीं पे अटको तो एक आपके पास में एक सीनियर सीए होना चाहिए, चाहे जिनसे आप हेल्प वो ले कोई सको, कहीं। कंसल्ट हाँ कर जी सको, कंसल्ट कर सको जिनसे। हाँ जी हाँ जी ओके ग्रेट। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आप सर कोई पेपर साइन मत कीजिए, आज की डेट में आपके ऊपर मिसफायर हो सकती है। राइट, बिल्कुल हो सकती है जी, ये तो बहुत ही बड़ा इशू है और इसको तो बल्कि इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्टली ले और भी अच्छी बात है, और कोई ऐसा मेंबर करे तो हाँ उसके जी साथ इंस्टीट्यूट को एक्शन भी लेना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से तो, जी क्योंकि इससे हमारे प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ जाता है अगर हम बिना पढ़े कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम कुछ आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्रेट अनिरुद्ध, जी काफ़ी कुछ सीखा यार, काफ़ी कुछ पॉइंट्स मिले आपकी तरफ से, और आगे भी कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे आर्टिकलशिप से अपना, सॉरी सीए प्रैक्टिस से रिलेटेड, और मुझे लगेगा कि अनिरुद्ध की जी मदद जी चाहिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अनिरुद्ध दोबारा चैनल पे जी आएंगे सर और डेफिनेटली जी सर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट, जी जी सर बिल्कुल ठीक है अनिरुद्ध जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय ओके सर हिंद। थैंक यू और आपने लास्ट में बोलना है सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन, सीखना बन तो जीतना बन। जीतना बन। और सर हाँ मैं जी एक और बात कहना चाहूंगा, हाँ जी प्लीज स्टे एट होम हाँ स्टे जी सेफ। राइट राइट जी राइट, स्टे एट होम, गाड़ी में आए सिर्फ इंटरव्यू के लिए, है ना। हाँ जी सर हाँ जी सर ओके।